हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 8th ट्यूटोरियल है रिएक्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्चुअल डोम की। देखिए फ्रेंड्स, आपको फ़र्क पता नहीं होगा कि वर्चुअल डोम और डोम में फ़र्क क्या होता है, वो एग्जांपल से आपको आज समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये कोड है क्या। हमने एक वेरिएबल चेकबॉक्स बना रखा है, जिसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू रख रखी है एज इज इक्वल टू 30, और रेंडर फंक्शन से हमने क्या करवा रखा है, उस एज को प्रिंट करवा रखा है, जिसका इस तरह से आउटपुट आ रहा है 30। अब देखिए, हम इस कोड में कुछ चेंजेस करेंगे और जो चेंजेस परफॉर्म होंगे, जो हमारा आउटपुट आएगा लास्ट में, वो किसकी मदद से आएगा, वर्चुअल डोम की मदद से आएगा। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वेर, और इसका नेम दे रहा हूँ मैं एजर, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो सेट टाइम आउट इस तरीके से, और जो का ओ होगा वो स्मॉल में होगा, इस तरीके से लिखते हैं। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे फंक्शंस को, और ये फंक्शन इस तरह से, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग स्टेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और फिर यहाँ पर फिर से लगाएंगे इस तरीके से पैरेंथेसिस, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एज को चेंज कर देंगे 35 में। और जो हमारी एज 35 चेंज हो रही है, वो देखिए कितने टाइम के बाद चेंज होगी। तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले सेमी कोलन, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर लिखते हैं 5000। 5 सेकंड के बाद ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप इसे अभी रन करेंगे तो अभी आउटपुट आपका जनरेट नहीं होगा। आउटपुट क्यों नहीं जनरेट होगा, आउटपुट इसलिए नहीं जनरेट होगा क्योंकि जो ये दिस है, ये हमारे इस फंक्शन के अंदर है, और इस दिस को किसको फॉलो करना है, इस दिस को हमारे कंपोनेंट को फॉलो करना है, कंपोनेंट का होना चाहिए दिस। तो देखिए, ये दिस अभी सिर्फ इस सेट टाइम आउट फंक्शन का है इसके अंदर, लेकिन हम इसे कैसे चेंज करेंगे कंपोनेंट के दिस में, उसके लिए हमें इसे बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे डॉट, और फिर हम यूज़ करेंगे बाइंड का। तो यहाँ लिखते हैं बाइंड, डॉट के बाद बाइंड लिखिएगा, ये देखिए फिर से इसमें यहाँ पर डॉट, और फिर लिखिए बाइंड, और बाइंड के अंदर आप लोग वैल्यू देंगे दिस की इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो यहाँ पर दिस यूज़ हुआ है, इसको बाइंड कर देगा आपके कंपोनेंट के साथ। अब देखिए, इसे रन करेंगे तो आपका सही से आउटपुट आएगा। सेव करते हैं इसे और इसे रन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ एक बार, तो सबसे पहले वैल्यू थी 30, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डाटा रिएक्ट रूट के अंदर अभी 30 वैल्यू है, और देखिए 5 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू हो गई 35। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये हुआ वर्चुअल डोम की मदद से। देखिए, वर्चुअल डोम क्या करता है आपका, जो जब हमें कोई भी चेंज एक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया, तो देखिए ये जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो आएगा आपके डोम के अंदर, जो सिंपल कोड आएगा, जो भी हमने इससे पहले किया था, जैसे कि ये और ये रेंडर के अंदर, ये वाला फंक्शन जिसमें हमने लिखा था, ये तो आपका आएगा डोम के अंदर। लेकिन जैसे ही आप वैल्यू को चेंज करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डोम क्या करता है, एक वर्चुअल डोम को क्रिएट कर देता है। और वर्चुअल डोम में सिर्फ वहीं पर चेंजेस आएंगे जहाँ पर आपने वैल्यू चेंज की है। तो देखिए, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक कोड लिखूंगा यहाँ पर, नीचे से कोड नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कोड लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि डोम और क्या कहते हैं वर्चुअल डोम में फ़र्क क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा डोम जिसमें हमने कोड लिखा था, एज का 30 था इसमें। अब देखिए, जैसे हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ पर जैसे हम एज को चेंज करेंगे, तो हमारा क्या करेगा, एक वर्चुअल डोम क्रिएट हो जाएगा, और इसमें सिर्फ जो ये कोड है, ये कोड आपका वर्चुअल डोम का कोड और डोम का कोड कंपेयर होगा, और जहाँ पर चेंजेस करे होंगे वहीं पर ही चेंजेस होंगे। इसलिए हमारा जो रिएक्ट होता है वो इतना फास्ट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ उसी में चेंजेस करता है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे चेंज करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्चुअल डोम आपका क्रिएट कर लेता है। तो ये आपका डिफरेंस था डोम और वर्चुअल डोम में, और वर्चुअल डोम क्यों क्रिएट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।